लोकसभा चुनाव में हजका भाजपा की सीटों में फेरबदल हुआ है। करनाल की सीट से बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो सिरसा की सीट से हजका चुनाव लड़ेगी। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट की दावेदार आईआरएस अधिकारी सुनीता दुग्गल ने पार्टी के इस फैसले को स्वीकार किया है। सुनीता दुग्गल ने कहा कि वो भाजपा में ही रहते हुए समाज सेवा करेंगी। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा की तरफ से टिकट का आश्वासन मिलने के बाद ही उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। रिजिग्नेशन जो है वो मैंने पार्टी के कमिटमेंट पे या ये कह लो कि पार्टी ने मुझे ये कहा कि भाई हम आपको इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, उस कमिटमेंट पे मैंने रेजिग्नेशन दिया और मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। मैं अब पार्टी में रहकर ही जनता की सेवा करना चाहती हूँ और कोई बात नहीं कि वो सीट जो है पार्टी को किसी कारणवश हजका को देनी पड़ गई तो इसमें कोई मेरे लिए कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। देखिए राजनीति की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं तो उसके लिए अगर पार्टी ने ये डिसीजन लिया है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ललित अग्रवाल ने लोहारू में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर ललित अग्रवाल ने कांग्रेस बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, ये लोग आम लोगों के हाथ सत्ता नहीं सौंपना चाहते और ये करोड़ों रुपए खर्च करने वाली जनता का भला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बार के आम चुनावों में जीत हासिल करेगी और अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही उन्होंने किरण चौधरी पर हुए हमले की भी कड़ी निंदा की। बहुत खुश है सभी, परिवर्तन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई हैं, इन लोगों ने डम्मी कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ये चाहते हैं कि सत्ता इन्हीं के पास घूमती रहे, आम आदमी के हाथ में कुछ ना आए। ये करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव लड़ते हैं तो जनता की कोई भलाई नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी होंगे प्रधानमंत्री। देखिए लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि कोई किसी के ऊपर इस तरह से हमला करे, हम इसकी निंदा करते हैं।